वेलकम गाइस, कॉस्ट पार्ट टू। वेल, लास्ट वीडियो हमने छोड़ा था एक्सपेंशन पाथ पर और मैंने तब आपसे कहा था कि आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वेल गाइस, वी हैव आर एग्जांपल नंबर 10। क्यू इज इक्वल टू 2 LK डिराइव लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ। वेल मेरे बच्चों, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा हो तो एक्सपेंशन पाथ वॉज नथिंग बट दी कॉस्ट मिनिमाइजेशन लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स। और आपने ये भी देखा था उसमें पैरेलल लाइंस थी, तो यानी स्लोप में कोई चेंज नहीं आता। तो मैं सिंपली कॉस्ट मिनिमाइजेशन कंडीशन ही यहाँ पर यूज़ करूँगा। आई हैव दिस प्रोडक्शन फंक्शन, तो मैंने एम पी ऑफ एल निकाला, इसमें से एम पी ऑफ के निकाला, ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन पुट करी, एंड दैट कंडीशन इज बेसिकली योर एक्सपेंशन पाथ। यहाँ पे के टर्म्स में सॉल्व किया तो विद रिस्पेक्ट टू के, आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब अगले 10 मिनट आपको कॉस्ट में बहुत अच्छा भी बना सकते हैं और बहुत कंफ्यूज भी कर सकते हैं, तो मेक श्योर यू गेट इट एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पेपर में इसी में से आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। वेल, हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया है और हमें बोलता है डिराइव द कंडीशनल इनपुट डिमांड ऑफ लेबर एंड कैपिटल। वेल, कुछ कुछ कंज्यूमर थ्योरी में जब आप डिमांड फंक्शन सॉल्व करते थे, कुछ कुछ वैसा ही है। आइए याद करिए, जब कंज्यूमर थ्योरी में आप डिमांड फंक्शन निकालते थे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन ही सॉर्ट करते थे। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ। एम पी एल निकाला, एम पी ऑफ के निकाला, ऑप्टिमल पॉइंट की कंडीशन लगाई और ये उसको सॉल्व कर लिया। आप याद करिए, कंज्यूमर थ्योरी में भी आप जब करते थे एम यू ऑफ 1 अपॉन एम यू ऑफ 2 इज इक्वल टू पी 1 अपॉन पी 2, तो उसको सॉल्व कर लेते थे और उसको फिर बजट कंस्ट्रेंट में डाल देते थे। यहाँ पर ऑब्वियसली हम उसको बजट कंस्ट्रेंट में ना डालकर प्रोडक्शन फंक्शन में डालेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, आई हैव दिस प्रोडक्शन फंक्शन, हमें कंडीशनल इनपुट डिमांड ऑफ लेबर एंड कैपिटल निकालना है, कंडीशनल कंटिंजेंट। सो एम पी ऑफ एल निकाल लिया, एम पी ऑफ के निकाल लिया, ऑप्टिमल पॉइंट की कंडीशन जो आप सभी को मालूम है, अगर भूल गए हैं तो बता दूं, एम पी ऑफ एल अपॉन एम पी ऑफ के इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आर या वी, और ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हो एम पी ऑफ एल अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम पी ऑफ के अपॉन आर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। यही यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया मेरा बच्चों। सो अब तक हमने इसको ये सॉर्ट कर लिया, एल के लिए सॉल्व किया, के लिए भी सॉल्व करेंगे। सो बाद में अब एल के लिए सॉल्व करा, ये आ गया। अब ये आपके प्रोडक्शन फंक्शन में एल की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए हाउ इट हैज़ बीन डन। सो ये हमने सब्स्टिट्यूट करा और के टर्म्स में खोल दिया। तो ये जो के स्टार भी लिख सकते हैं, कुछ बुक के सी लिखते हैं, मतलब कंडीशनल डिमांड फॉर कैपिटल, के स्टार के सी कुछ भी लिख दो। तो अब इसमें कुछ हमने इसका इंटरप्रिटेशन दिया, लॉन्ग रन कंडीशनल और कंटिंजेंट इनपुट डिमांड फॉर के एज इट इज़ बेस्ड ऑन दी कंडीशनल लेवल ऑफ आउटपुट। अब मेरे बच्चों, उसी को के टर्म्स में खोल दिया, यहाँ पे एल के टर्म्स में खोला था, आप के टर्म्स में खोल दिया। अगेन प्रोडक्शन फंक्शन में अब के की जगह सब्स्टिट्यूट किया, तो अब इसको एल के लिए सॉल्व करोगे तो अब ये क्या आ गया, कंडीशनल डिमांड फॉर लेबर। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने याद ये रखना है कि आप कंज्यूमर थ्योरी में जब डिमांड फंक्शन निकालते हो, आप ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सॉल्व करके उसको फिर एक्स वन और एक्स टू की टर्म्स में सॉल्व करके बजट कॉन्स्टेंट में डाल देते थे। यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन में डालेंगे और एल और के कंटिंजेंट डिमांड फंक्शन आ जाएंगे। अब अगर कोई मेरे को बोले कि भाई इसी में से लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट निकालो, नॉट अ प्रॉब्लम। अब इसकी सब थ्योरी भी पढ़ाएंगे आपको, प्रैक्टिकल करके थ्योरी करने में थोड़ी आसानी रहेगी आपको। सो टोटल कॉस्ट इज आर के प्लस डब्ल्यू एल। अब मेरा बच्चा के, आप देखो के मैंने ही ये वाला लिया है, 2W बाय आर रेस्ट टू द पावर 1/3 इंटू क्यू, और एल जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है वो ये वाला है, दैट इज कंडीशनल जो आपके वैल्यूज थे। फिर मैंने इस टोटल कॉस्ट को सॉल्व किया और मेरे पास सॉल्व करके ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करके ये बचा, ठीक है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सिखा रहा हूँ, बड़ा हवा काटेंगे लोग, ये है वो है, आप बस दो चार सिंपल बातें याद रखिए, आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। मेरे बच्चों, ये जो टोटल कॉस्ट है, आप ये जो आपने कंडीशनल डिमांड फॉर लेबर एंड कैपिटल निकाला, ये आपने किससे निकाला, सर प्रोडक्शन फंक्शन से। बेटे आप इसको टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, और टोटल कॉस्ट से कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ, और इसको कहते हैं शेफर्ड लेमा। तो अब ये टोटल कॉस्ट है, अगर मैं टोटल कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करूँ एंड विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डिफरेंशिएट करूँ, आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर कंडीशनल डिमांड फॉर के निकलेगा, यहाँ पर कंडीशनल डिमांड फॉर एल निकलेगा, ये यही वैल्यूज हैं, यू कैन सी। आप आराम से देख लीजिए, यही वैल्यूज हैं, आप देख लीजिए, यही आया था, यही आया था,
So Shefford lemma actually tells us that using total cost function and then differentiating it with respect to, you know, W and R's. अगर W से differentiate करोगे, it will give you the contingent demand function for L, और अगर R से करोगे या V से करोगे तो capital. ठीक है, ये मैंने लिखा, use Shefford lemma to get the conditional input, मैंने already solve भी कर दिया. अब कहते हैं इसे एल ई से निकालो. आपके पास ये एल टी सी है, हाँ सर है, इसको Q से divide कर दो and you will have your LAC. अब obviously you would be saying सर थोड़ी और practice, थोड़ी और practice. हाँ बिल्कुल, why not. अब देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको. ठीक है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से, ताकि मैं अपनी बात को और ज़्यादा कन्विंसिंगली रख पाऊँ. डिराइव प्रोडक्शन फंक्शन फ्रॉम अ कॉस्ट फंक्शन यूजिंग शेफर्ड लेमा. तो अब यहाँ पे हम बैकवर्ड चलेंगे. अब टी सी दिया हुआ है, मैंने आपको क्या कहा था, टी सी का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे जब विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, तो कंडीशनल डिमांड, वो कंटिजेंट डिमांड फंक्शन आ जाएंगे. देखो मैंने वही किया, मैंने W के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा. ये जो सॉल्व करके आया होगा, ऑब्वियसली ये क्या है, सॉरी, ये कंटिजेंट डिमांड फंक्शन है. बिल्कुल, अब ये ज़रूरी नहीं है, बस सिंप्लीफाई करने के लिए कर लिया. V इज इक्वल टू W बाय R. तो K जो है वो ऐसा दिखेगा, L जो है वो ऐसा दिखेगा. W बाय R को V से रिप्लेस कर दिया, कोई कंपल्शन नहीं है, आप इसको सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट दैट सिंप्लीफाई हो जाता है. अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, आप इसको यूज कैसे करोगे, अब वो देख लो. ये आपके पास K की वैल्यू आ गई, आपके पास L की वैल्यू आ गई, दोनों कंडीशनल डिमांड फंक्शन से, आप आराम से देख लीजिए. अब मेरे बच्चों इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करा V की टर्म्स में, K में सब्स्टिट्यूट करा, Q की टर्म्स में खोला, एंड दैट्स योर प्रोडक्शन फंक्शन. यानी आप उल्टा चले, यू हैड टोटल कॉस्ट फंक्शन, अगर आपको उससे प्रोडक्शन फंक्शन निकालना है तो बीच का स्टेप क्या है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन से मैं पहले कंडीशनल डिमांड निकाल लूंगा लेबर कैपिटल की, फिर उसको सॉल्व करूंगा क्यू के लिए. ठीक है, अब आप कहोगे इसी को उल्टा करके बताओ कि अगर ये दिया हो तो ये निकालो, वही करते हैं. देखो अब प्रोडक्शन फंक्शन दिया है के एल, और आपको एल टी सी निकालना है, पहले एल टी सी दिया हुआ था, प्रोडक्शन फंक्शन निकालता सेम. तो अब इसमें सीधा स्टेप लगाते हैं, अब इसमें भी बीच का स्टेप वही होगा, कंडीशनल डिमांड निकालनी पड़ेगी आपको. सो क्यू इज इक्वल टू के एल, एम पी ऑफ एल निकाला, एम पी ऑफ के निकाला, कॉस्ट मिनिमाइजिंग कंडीशन लगाई, ये सॉल्व कर लिया. ठीक है जी, आपके पास, आपको पता है इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसकी जो भी फर्दर कंडीशन आएगी उसको आप जब सॉल्व करोगे तो प्रोडक्शन फंक्शन में डाल के ये कंडीशनल डिमांड आ जाएगी. अब आपको पता है ये कंडीशनल डिमांड आप टोटल कॉस्ट में डालोगे, ये आपके टोटल कॉस्ट थी ना, मैंने सीधे ही लिख दिया यहाँ पर डब्ल्यू एल स्टार प्लस आर के स्टार, ये पुट किया, सॉल्व किया, अरे ये क्या है, सर एल टी सी, वो तो मुझे भी पता है, पर ये क्या है, यही था, यही है, श्योर. तो आप प्रोडक्शन फंक्शन से लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते हैं, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से यूजिंग शेफर्ड लेमा प्रोडक्शन फंक्शन भी निकाल सकते हैं. सर थोड़ी और प्रैक्टिस. ओके जी, अब सपोज हमें क्वेश्चन है डिराइव एल टी सी फंक्शन फ्रॉम शॉर्ट रन. तो हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, डब्ल्यू दिया, आर दिया, और के ऑब्वियसली फिक्स्ड है, आपको तो पता ही है शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर फिक्स्ड, बाकी फैक्टर्स वेरिएबल. तो सबसे पहले एल के लिए सॉल्व कर लो, शॉर्ट रन की कंडीशन डब्ल्यू एल प्लस आर के, तो डब्ल्यू 25, एल दिस, के ये आपका आर 2, के फिक्स्ड है, इसको सॉल्व कर लिया, इन अ वे ये आपके पास शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया. अब मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ. नाउ वी सी दैट एस टी सी डिपेंड्स ऑन क्यू एंड के, Y, Q and K. Now we need to find the level of capital that minimizes STC. तो मैं आप K के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, ये आ गया, K के लिए सॉल्व किया, ये जब आपके पास आ गया, अब मेरे बेटा आप इसको LTC में यूज कर सकते हो, K की वैल्यू लगा के, एंड दैट विल बी योर LTC. टू कीप द यू नो लेंथ ऑफ द वीडियो शॉर्ट, मैं आपके साथ सीधा स्टेप्स जो है डिस्कस कर रहा हूँ. आई होप दैट हेल्प्स. नेक्स्ट गाइस, अ गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस एटलीस्ट. द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय C इज इक्वल टू 1/5 क्यू वी 1/3 डब्ल्यू 2/3. यूज शेफर्ड लेमा टू कंप्यूट द कंटिजेंट डिमांड. अब तो आपको आता ही है यार, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो W से और V से, एंड जो भी सॉल्व करके आएगा दैट विल बी कंडीशनल डिमांड फॉर L एंड K रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देख लिया आई होप. चलिए अगेन, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, यूज शेफर्ड लेमा टू अराइव एट द कंटिजेंट डिमांड, सेम तरीका.
और यूज कंटिजेंट डिमांड टू अराइव एट प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, आपने ये यूज किया होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो, ये आपने सॉल्व किया, ये आपने सॉल्व किया, क्यू के टर्म्स में खोल दो, एंड देन ऑब्वियसली यू नो यू कैन हैव इट द प्रोडक्शन फंक्शन, यू कैन हैव द प्रोडक्शन फंक्शन। क्या गाइस आराम से देख लो, सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं, नथिंग स्पेशल, पुराने जो पहले जैसे प्रोडक्शन फंक्शन सिखाया था वैसे ही निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और एक्सपेंशन पाथ का क्वेश्चन है बेटा, ये कहते हैं क्यू इज इक्वल टू रूट एल प्लस के, इफ मार्केट प्राइस ऑफ लेबर इज हायर देन द मार्केट प्राइस ऑफ कैपिटल देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ एंड ग्राफिकली शो इट। बेटा लीनियर है ये तो, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूटेबल है, तो अगर लेबर का प्राइस कैपिटल से ज़्यादा है तो फिर आप लेबर को ना यूज़ करके किसको यूज़ करोगे? सर कैपिटल को। तो अगर आप कैपिटल को यूज़ कर रहे हो तो एक्स एक्सिस विल बी योर एक्सपेंशन पाथ, क्योंकि यहीं पे आपके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑप्टिमल पॉइंट्स रहेंगे। इसी का बी पार्ट, नाउ इफ द मार्केट प्राइस ऑफ कैपिटल इज हायर देन द प्राइस ऑफ लेबर, तो ऑब्वियसली अपन लेबर जो है यूज़ करेंगे और कैपिटल को नहीं यूज़ करेंगे, सो द एक्सपेंशन पाथ वुड बी वाई एक्सिस। तो ये भी एक्सपेंशन पाथ है, बट ये वो थोड़ा लीनियर वाला है, लीनियर के केस में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 18, वेल क्यू दिया हुआ है 50 रूट एल के, फाइंड एल आर टी सी। यार अब तो तू सॉल्व करके बताना मुझे। सर मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता मेरे भाई? एक बात बताओ सभी लोग, आपको मैंने सिखाया था, अभी पीछे भी सिखाया है, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन से पहले कंटिजेंट डिमांड निकालते हो, कंटिजेंट डिमांड को टोटल कॉस्ट किस इक्वेजन में डालते हो, क्यों नहीं कर सकते आप? तो मैंने क्या करा, मैंने सीधा जो उनकी कंटिजेंट वैल्यूज थी एल और के की वो पुट करी है, ठीक है। अब आप कहोगे सर सॉल्व, ये सॉल्व ऑलरेडी हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो ये देखो, ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ। अब ये जो सॉल्व करके आया है वैल्यूज, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई है, एल के, ये वाली वैल्यू, ऑब्वियसली आई हैव यूज इट हियर, ठीक है, देयर एंड देयर, एंड देन सॉल्व कर लीजिए, एंड दैट विल बी योर टोटल कॉस्ट। ये इमेजिनरी वैल्यूज है जो आपको सिर्फ बताई गई सिंप्लीफाई करने के लिए। सो आई होप दैट हेल्प्स। तो आपने इस वीडियो के बाद क्या क्या सीख लेना है, एक्सपेंशन पाथ, कंटिजेंट डिमांड फंक्शंस, शेफर्ड लेमा का इस्तेमाल, प्रोडक्शन फंक्शन से लॉन्ग रन कॉस्ट जाना, कॉस्ट लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन से प्रोडक्शन फंक्शन आना, शॉर्ट रन कॉस्ट से लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट निकालना। आइए अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाते हैं आपको बेटा। न्यूमेरिकल पहले इसलिए कराया कि थ्योरी पढ़ने में आसानी होती है, ऐसा मुझे लगता है। आइए शुरू करते हैं थ्योरी। तो सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन, वेल इट शोज दैट फॉर एनी सेट ऑफ इनपुट कॉस्ट फॉर एनी आउटपुट लेवल द मिनिमम टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फॉर्म शेल डिपेंड अपॉन वी डब्ल्यू एंड आउटपुट। ए सी एंड एम सी, ऑब्वियसली टी सी को क्यू से डिवाइड कर दूंगा, एम सी इस टी सी को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू। सो दिस इज बेसिक स्टफ। अब है बेटा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। बेटा दो पॉसिबल शेप है डी सी की, ये जब प्रोपोर्शनल टू आउटपुट हो सी आर एस आर हो, ये जब शुरू में कॉनके और देन कॉन्वेक्स बन जाए। इस केस में ए सी एम सी हॉरिजॉन्टल रहेंगे, इसमें कॉन्वेक्सल यू शेप। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ये ध्यान से कर लेना, अगर पेपर में थ्योरी आई तो ये आने के चांस रहेंगे। आइए पढ़ते हैं, होमोजेनिटी फर्स्ट फीचर। द टोटल कॉस्ट फंक्शंस आर ऑल होमोजेनियस ऑफ डिग्री वन इन द इनपुट प्राइसेस, दैट इज डबलिंग ऑफ इनपुट प्राइसेस विल प्रिसाइजली डबल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन आउटपुट। दिस इज द प्रॉपर्टी टू ऑल द प्रॉपर कॉस्ट फंक्शन। वेल व्हेन ऑल इनपुट प्राइसेस डबल द रेशियो ऑफ एनी टू इनपुट प्राइसेस विल नॉट चेंज। कॉस्ट मिनिमाइजेशन रिक्वायर्ड दैट द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइसेस आर टी एस, thus cost minimizing input combination will also not change, hence the firm will buy same set of inputs and pay exactly twice। तो homogeneous function ये कहता है बेटा कि आपके अगर input के price double होंगे तो आपकी cost of production भी double हो जाएगी। total cost functions are non decreasing in Q, V and W। कहता है ऐसा हो नहीं सकता कि Q बढ़े, V बढ़े या W बढ़े और आपकी total cost गिर जाए। बच्चा कहता है क्यों? क्योंकि आप इस बेसिस पर टोटल कॉस्ट बनाते हो। अभी मैंने न्यूमेरिकल सिखाए थे, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जब जब आपने निकाली कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर निकाली कंडीशन पे। आप क्या करते थे, प्रोडक्शन फंक्शन होता था, एमपीएल ऑफ एमपीएल एमपी के निकाल के उसकी कॉस्ट मिनिमाइजिंग कंडीशन निकालते थे और फिर सॉल्व करते थे कंडीशनल डिमांड लगा के वो सारा। तो आप बताइए, आप अगर आपकी कॉस्ट निकाली इस बेसिस पर रहे हो कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, तो आप
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि क्यू बढ़े, वी बढ़े और डब्ल्यू बढ़े, कोई भी एक चीज़, और आपकी कॉस्ट गिर जाए? अगर ऐसा हुआ तो यानी एट फर्स्ट प्लेस आप कॉस्ट मिनिमाइजर थे ही नहीं। पढ़ते हैं, सिंस कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉस्ट मिनिमाइजिंग प्रोसेस, एनी डिक्रीज इन कॉस्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन वन ऑफ द फंक्शन अबव वुड लीड टू अ कॉन्ट्रडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम Q1 टू Q2 कॉस्ट टोटल कॉस्ट टू डिक्रीज, इट मस्ट बी द केस दैट फर्म वॉज नॉट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एट फर्स्ट प्लेस। थर्ड प्रॉपर्टी अलग से भी आ सकती है, तो ध्यान से। टोटल कॉस्ट फंक्शन आर कॉन्केव इन इनपुट प्राइसेस, वेल फिगर शोज टीसी फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ एन इनपुट प्राइस से डब्ल्यू होल्डिंग वी एंड क्यू कॉन्स्टेंट। सपोज इनिशियली इनपुट प्राइसेस डब्ल्यू प्राइम एंड वी प्राइम प्रिवेल एंड आउटपुट क्यू नॉट इज प्रोड्यूस एट टीसी यूजिंग कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट्स एंड एन के। अब देखिए इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए। वेल मेरे बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए, इसको पढ़ते भी रहेंगे एग्जाम्पल भी डालते रहूँगा। सो कहता है, इफ द फर्म डिड नॉट चेंज इट्स इनपुट मिक्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वेजेस, देन इट्स टीसी कर्व वुड बी लीनियर एज शोन बाय सी स्यूडो लाइन। देखिए, अब सपोज वेज बढ़ गया, और अगर आप सेम ही यूज कर रहे हो, सेम ही यू नो वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, इनपुट्स, इनपुट मिक्स, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये डब्ल्यू बढ़ा हुआ होगा आपका, और ये आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं। If the firm did not change its input mix in response to change in wages, then suppose wages बढ़ा और आपने अपना combination change नहीं करा input mix का, so TC curve would be linear as shown by pseudo line, but a cost minimizing firm would choose the input mix it uses to produce Q naught when wages change, and then actual cost would fall below the pseudo cost. तो बेटा अब लेकिन आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता है तो जो cost minimizer है वो हो सकता है, क्योंकि वेज बढ़ गए हैं तो लेबर कम यूज़ करेगा और कैपिटल को ज़्यादा यूज़ कर लेगा, पॉसिबल है कि नहीं है? है। तो इन दैट केस डोंट यू थिंक आपकी कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ेगी? ठीक बात। सो इसीलिए ये कॉनकेव है अगर आप कॉस्ट मिनिमाइजर हैं। सो एसी एंड एमसी फोर्थ फीचर, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन कैरी ओवर टू देयर रिलेटेड एसी एंड एमसी लाइक होमोजेनिटी। तो हमने एसी की डेफिनेशन लगाई कि टी से अगर टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो एसी भी बढ़ जाएगी, एमसी वो भी टी से बढ़ जाएगा, बट एसी एंड एमसी में हैव नेगेटिवली स्लोप सेगमेंट, सो नीदर एसी नॉर एमसी विल हैव टू बी नॉन डिक्रीजिंग इन क्यू। हमने क्या बोला, कुछ फीचर्स है, सारे नहीं है। सो वी नो दैट टोटल कॉस्ट मस्ट नॉट डिक्रीज व्हेन एन इनपुट प्राइस राइजेस, इट इंप्लाइज दैट एसी इज इंक्रीजिंग इन डब्ल्यू एंड वी, सिमिलरली एन इंक्रीज इन इनपुट प्राइस विल कॉज एमसी टू इंक्रीज। तो जो एसी एंड एमसी है इट विल कैरी ऑन some features of the total cost but not all the features. आइए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंटिंजेंट डिमांड फॉर इनपुट्स एंड शेफर्ड लेमा। ये मैं जानबूझ के आपको पहले न्यूमेरिकल करा दिया था, नहीं तो अगर मैं इससे कराता ना तो ज़्यादा समझ नहीं आता आपको। अब आई होप आपके लिए शुड बी ईजी। सपोज वेज बढ़ गए तो कॉस्ट विल राइज बाई अप्रॉक्सीमेटली द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द फर्म इज हायरिंग इफ यू नो एवरीथिंग एल्स डजंट चेंज। तो हमने क्या बताया था आपको, टोटल कॉस्ट फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डिफरेंशिएट करो तो L मतलब LC कंटिंजेंट डिमांड फॉर लेबर आ जाएगा, दैट्स बेसिकली शेफर्ड लेमा। सो अलोंग द स्यूडो कॉस्ट फंक्शन ऑल इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट, दैट इज एन इंक्रीज इन वेज इंक्रीज इन कॉस्ट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ लेबर यूज्ड। लैग्रेंज लगाया और एनवलप थ्योरम लगाया, बड़े बड़े नाम है, टेंशन कुछ नहीं, आपको तो पता ही है मैं सिखा के आ रहा हूँ कि आप जब आपके कॉस्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो KC आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू W L करेंगे डिफरेंशिएट तो LC आ जाएगा। सो बेसिकली दिस, एक छोटी सी चीज़ और है वो भी आई होप आपको हम सिखाते चलें तो बढ़िया रहेगा, दैट्स बेटर इनपुट सब्सटीट्यूशन। अब याद करो प्रोडक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन का ये फॉर्मूला होता था। अब मेरे बच्चों कॉस्ट में ना आप एक चीज़ और कर सकते हो, मैंने प्रोडक्शन के टाइम भी बोला था और ये ज़्यादा आसान है, बल्कि आप ये तो मानते हो ना कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहाँ पर होता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहाँ होता है? सर कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता है वेयर RTS इज इक्वल टू W बाई V, बिल्कुल सही बात। तो आप इसी फॉर्मूला में जहां जहां RTS है यू कैन रिप्लेस दैट विद W बाय V। सो अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाए सॉल्व करने को तो आप उसको ऑब्वियसली यू नो जहां जहां RTS है उसको W बाय V से रिप्लेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स। अब ये बड़ा यू नो लोग कहते हैं CES, अरे नथिंग टू वरी यार, आइए पढ़िए। डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट फ्रॉम CES ये पर्टिकुलर फॉर्म होते हैं, आप मेरे नोट्स में इसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो, हमने इसके बारे में बताया हुआ है उसमें। ये हमारे को कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और हमें कहता है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट निकालो। एक बात एक मिनट के लिए भूल जाओ ये किस टाइप का फंक्शन है, मुझे ये बताओ मैंने अभी इसी वीडियो में तुम्हें लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन से कैसे सिखाया।
सर आप कहते हो कि प्रोडक्शन फंक्शन से एमपी और एमपीके निकाल लो, ठीक है। फिर सर वो कॉस्ट मिनिमाइजिंग की कंडीशन लगा लो, ठीक है। फिर सर उसको जो सॉल्व करके आएगा उसको प्रोडक्शन फंक्शन में डाल दो, ठीक है। फिर सर उससे एल स्टार के स्टार आ जाएंगे, ठीक है। फिर सर उसको ना डब्ल्यू एल प्लस आर के में सब्स्टिट्यूट कर लो, यही बताया। हाँ यही करो, एमपी ऑफ एल एमपी ऑफ के फंक्शन से निकाल लो, ऑप्टिमल पॉइंट की कंडीशन लगाई, देख लो आराम से देख लो भाई, ठीक है। अब वही सॉल्व किया, प्रोडक्शन फंक्शन में प्लग किया, मेरे पास एल ई आर है के ई आर है, टोटल कॉस्ट के इक्वेशन में पुट करा, ठीक है। पॉज करके देख लियो, खत्म, ये आ गई तेरी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट 62/9 या 20/3, ठीक है भाई। क्या सीईएसीएस तरीका बस समझ हो रहा, बढ़ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगेन एक लीनियर लिया है, सब्सिट्यूट लिया, Q इज इक्वल टू 50K + 10L, ओके। W 10 है, R 40 है, सॉल्व फॉर ऑप्टिमल पॉइंट सब्जेक्ट टू Q 20, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऑप्टिमलिटी निकालनी है, हाँ निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी दिया हुआ है, तू क्या कर एम पी के ऑफ आर और एम पी ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू कंपेयर कर ले, एम पी के कितना है 50, एम पी एल है 10, डब्ल्यू और आर की वैल्यू, बेटा ये ज़्यादा है ना इससे, यानी कैपिटल यूज़ करो। और आप कहोगे जी कितना कैपिटल यूज़ करें वो भी निकाल सकते हो, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, सिर्फ कैपिटल यूज़ करो एल जीरो हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कुछ और सिखाते हैं तुमको, देखो बच्चों, सबसे पहले अब हम आपको सिखाते हैं डेरिवेशन ऑफ एल ए सी। देखो बच्चों, इसको एनवलप कर्व भी कहते हैं, अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपके साथ शो करूंगा। ये बेसिकली अंडर द हेडिंग वो आएगा, रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, कोई टेंशन नहीं, आराम से सीखेंगे, एंजॉय कीजिए। सबसे पहली बात जो आप लोग नोटिस ही नहीं करोगे वो मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया एस ए सी वन, ये हो गया एस ए सी टू, और ये हो गया एस ए सी थ्री। याद रखिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है एस ए सी, मतलब अब आप जो चीज नोटिस नहीं कर रहे वो भी बता देता हूं। सर क्या नोटिस नहीं कर रहे हूं, देख लो एक बारी, देख लिया, बताऊं क्या नोटिस नहीं कर रहे। नोटिस ये करना है टेंजेंसी मिनिमम से लेफ्ट पर है, मिनिमम पर है, मिनिमम से राइट पर है, जबकि आप में से 90% बच्चा ये सोच रहा था कि तीनों मिनिमम से गए हैं, ऐसा नहीं है सर। इसकी नेचर क्या है भी बताता हूँ। वेल देखिए लॉन्ग रन के अंदर आप क्या चाहते हो, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, राइट, तो ये इसको कहते हैं आइडियल आउटपुट, इसको एनवलप कर्व कहते हैं। एनवलप कर्व वो कर्व होता है प्रैक्टिकली जिसमें शॉर्ट रन का कोई भी हिस्सा लॉन्ग रन के नीचे ना आए। अभी मैं आपको इसके नोट्स दिखा दूंगा सर। और लॉजिक क्या है, लॉजिक बताता हूँ। देखिए ये ना अलग अलग प्लांट्स कॉस्ट है बेसिकली। अगर मैं तुमसे कहूँ सपोज मार्केट में इतनी डिमांड आई, तुम्हें ये 40 यूनिट्स बनाना है, तो प्लांट वन भी यूज़ कर सकते हो, प्लांट टू भी, बताओ कौन सा प्लांट यूज़ करोगे। यहाँ टोटल कॉस्ट है, यहाँ आउटपुट है। सर मैं तो प्लांट वन यूज़ करूँगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम है, समझ गए बात। बाकी मैं एलएसी के बारे में भी बताता हूँ आपको। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर ये पेपर में आ जाता है तो सर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे ये, तो आप ध्यान से सीखो गाइस। अब मैं आपको सिखाता हूँ एलएमसी। देखो एलएसी डिराइव किया था किससे सर, एसएससी से, बिल्कुल, तो एलएमसी डिराइव करेंगे एसएमसी से। बट बिफोर वी डू दैट, सबसे पहले दोबारा से एलएससी बनाएंगे मेरे बच्चों। ये हुआ आपका दोबारा से एसएससी वन, ये हुआ आपका एसएससी टू, और ये हुआ आपका एस ए सी थ्री। दैट्स क्यू वन, दैट्स क्यू टू, दैट्स क्यू थ्री। अब आप जब आपके स्कूलिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स करते थे तब से आपको ये बात पता है कि एम सी ए सी को उसके मिनिमम पर इंटरसेक्ट करेगा। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये आया आपका एस एम सी वन, एस एम सी टू एंड एस एम सी थ्री। अब मेरे बच्चों मैं ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, उसको ध्यान से समझना। वन टू थ्री, ध्यान से देखिए और बताइए क्या कॉमन है वन टू और थ्री में।
सर 1 और 2 और 3 में ना ये कॉमन है कि यहाँ पर एम सी क्वान्टिटी को इंटरसेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात। अब मेरे बच्चों आप 1, 2 और 3 को ज्वाइन करेंगे, करते चलिए करते चलिए। दैट्स योर एल एम सी। माइंडेड माई डियर फ्रेंड्स, एल एम सी कर्व कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एन एनवलप कर्व, क्योंकि आपको तो पता ही है, मैंने भी पीछे बताया, एनवलप कर्व में शॉर्ट रन कॉस्ट का कोई भी हिस्सा लॉन्ग रन के नीचे नहीं हो सकता। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, एस एम सी एल एम सी के नीचे भी आ रही हैं। अभी मैं इसका थ्योरी वर्जन भी आपको दे दूंगा, उसमें आप नोट्स पढ़ के इस बात को और क्लियर कर सकते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं बच्चों डेरिवेशन ऑफ एल टी सी। वेल एल टी सी अगर मैं बनाऊँ तो मैं ये वाली शेप बनाना चाह रहा हूँ। आपको मैंने कहा था ना दो प्रकार के होते हैं, तो अब एल ए सी जब बनाया तो किसका यूज़ किया सर, एस ए सी। एल एम सी बनाया तो किसका यूज़ किया सर, एस एम सी। एल टी सी बनाया तो किसका यूज़ किया सर, एस टी सी। हाँ किसका सर, एस टी सी। बिल्कुल, ये शॉर्ट रन कॉस्ट एस टी सी 1, एस टी सी 2, आप थर्ड भी बना सकते हैं। सो ये एनवलप कर्व है, क्यों? क्योंकि एस टी सी एल टी सी के नीचे कोई उसका हिस्सा नहीं आ रहा। नाउ इफ यू आर वंडरिंग सर आप थ्योरी ज़्यादा उसमें नहीं करा रहे फ्लो में या उतने डिटेल में, क्योंकि बेटा थ्योरी जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स M3 का पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ पर वहाँ पे न्यूमेरिकल ही आना है। थ्योरी वो जो मैंने बता रखी है थोड़ी बहुत उन्हीं में से आनी है, बाकी आप पास या पेपर्स देख लेना, आपको और तसल्ली हो जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं ना हॉर्सेज फॉर द कोर्सेज, जहाँ सुई की ज़रूरत है मैं तलवार नहीं चलाऊँगा। यहीं पर आपको मैं मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होता तो मैं इसको इतना डिटेल में आपको सिखाता, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत ही है, वहाँ पर प्रैक्टिकल की जरूरत न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं थी। सो जस्ट दैट आपके सिलेबस में है तो मैं फटाफट से बताया दे रहा हूँ ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, कल को आप रीडिंग्स देखो, बट मेन न्यूमेरिकल्स ही इसमें से बनते हैं। बाकी थ्योरी मैं इसके आगे अभी और ऐड कर देता हूँ विद वन मोर एग्जाम्पल गाइस।